हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अदर न्यू वीडियो। तो आज डेट है 18th मई और आज है हमारे चैलेंज का पूरा 20वां दिन। एंड आज भी हम सूरज निकलने से पहले उठकर रेडी हो चुके हैं हमारे दिन की शुरुआत करने के लिए। एंड अभी टाइम हो रहा है 4:42, जैसे कि आप देख ही सकते हो। सो अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने दिन को। एंड उससे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि व्हाट मोटिवेट्स यू मोस्ट टू वेक अप अर्ली और डू स्टडीज, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इस चीज के बारे में हम वर्कआउट करते करते बात करेंगे। सो लेट्स गो। एंड मैंने ये सवाल आप लोगों से इसीलिए पूछा है क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कई लोग मुझसे भी पहले उठते हो। कुछ लोग 3 बजे उठ जाते हैं, कुछ लोग 4 बजे उठ जाते हैं एंड अपने डे को अर्ली स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करा है कि आपको क्या मोटिवेट करता है अपने दिन को जल्दी स्टार्ट करने के लिए। एंड वैसे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने कैसी ये हैबिट फॉर्म करी एक खराब शेड्यूल से अच्छे शेड्यूल की तरफ। एंड अपने नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है हैबिट फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी को एक्सप्लेन करूं कि मैंने कैसे एक न्यू हैबिट क्रिएट करी है सुबह जल्दी उठने की। तो फिलहाल आप इसी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने कैसे एक हैबिट को फॉर्म किया एंड आपके मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने का राज क्या है। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 7-8 बजे उठ रहे हैं या फिर 9 बजे उठ रहे हैं, बट आपको यहाँ पे किसी के साथ कंपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप अगर लेट नाइट स्टडीज कर रहे हो तो आप तो सुबह लेट उठोगे ही। एंड यार, जो भी लोग नाइट में स्टडी कर रहे हैं उनको मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अभी जस्ट हमारा एग्जाम पास है एंड अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने शेड्यूल को अभी से ठीक करना शुरू कर दो क्योंकि जो भी हमारा जीएस का पेपर होता है वो 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होता है जनरली। एंड अगर आपको एक लेट नाइट स्टडी करके सुबह लेट उठने की आदत है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अभी से अपने शेड्यूल को थोड़ा सा ठीक करने की शुरुआत कर दो, एटलीस्ट आप 6 बजे उठ जाओ एंड अपने दिन को शुरुआत कर लो। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, बट फिर भी हाँ, एग्जाम पास है तो कोई रिस्क मत लेना। फिर अगर आप 2025 या फिर 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बस अपने स्टडीज पर फोकस करो, बाकी फिलहाल आपके लिए अभी आवर्स मैटर नहीं करते, आपके लिए बस मैटर करता है स्टडी करना। एंड बस रात में ट्राई करना कि 5 से 6 घंटे आपकी नींद पूरी हो जाए क्योंकि अगर हम रात में कम सोते हैं तो हमारा नेक्स्ट डे खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारे स्लीप क्वालिटी को भी अच्छे से मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंड अभी जस्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना आज का फर्स्ट मॉर्निंग सेशन। एंड इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है जो कि है इस इंडियन इकोनॉमिक्स के डाइजेस्ट के बारे में। एंड इस बुक को पब्लिश किया गया है यूनिक पब्लिकेशंस के द्वारा। एंड इस बुक के ऑथर है बिजेंद्र कुमार सिंह सर जो कि बाजीरमैन रवि इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स की फैकल्टी रह चुके हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, सर ने कुछ ऐसी चीजें इस बुक में ऐड करी है जो कि बाहर किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो फिर चलिए उन सब चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बुक में डिटेल सिलेबस कवरेज देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ एक पूरा आपको एनालिसिस मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कि हर एक टॉपिक पर कितने एमसीक्यूज आए थे प्रीवियस ईयर्स में, एंड वो भी पूरे 2023 तक अवेलेबल है। तो आप यहाँ से अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो एंड एक अच्छे प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए सिलेबस एंड पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बुक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड अगेन, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपको इस बुक में सारे टॉपिक्स के साथ साथ करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2023 का जो भी नोबेल प्राइज मिला है उसके बारे में यहाँ पे एक स्टिकी नोट है, मतलब एक नोट है जिससे आप पढ़कर अपने स्टैटिक को करंट के साथ लिंक कर सकते हो। एंड 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स इस बुक में ऑलरेडी दिया गया हुआ है। तो अगर आप 2025 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये बुक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। एंड साथ ही साथ अपडेटेड स्कीम भी मिल जाती है जो कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और पूरे 23 तक के सारे स्कीम्स यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल अपडेटेड मैनर में। तो आपको स्कीम्स भी इधर उधर सर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड इस बुक के साथ आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये आपको हर एक चैप्टर के बाद देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप देख ही सकते हो, हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाता है इस बुक में, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है अपने स्टडीज को इन्हांस करने के लिए। एंड लास्ट एंड फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि ये चैप्टर खत्म हुआ है, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स था एंड यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो इसी एडिशनल बेनिफिट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये रहा पूरा आपका बुक। तो अभी तक जिन जिन लोगों ने अपने इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट नहीं किया है या फिर स्टार्ट भी नहीं किया है एंड वो लोग एक सर्च कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की बुक, तो मैं इस बुक को आप सभी के लिए रेफर करूंगा कि आप इस बुक के साथ अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। एंड जो लोग भी हमारे चैनल के रेगुलर व्यूवर्स हैं उन सभी को तो पता ही है कि मैं बहुत लिमिटेड एंड बस जेन्युइन प्रमोशंस करता हूँ अपने चैनल पर। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि अभी चल रहा है एडिशनल 25% ऑफ। एंड अपना ऑर्डर प्लेस करते समय इस कोड को यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी सारे ऑर्डर प्रोसेस एंड लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
एंड नाउ बैक टू द स्टडीज। तो अभी मैं कर रहा हूँ अपने पॉलिटी के रिविजन। बेसिकली इस सेशन में मेरा एम होने वाला है कि प्रेसिडेंट, सीएम एंड प्राइम मिनिस्टर को कंप्लीट करना है। एंड ये सारे टॉपिक कंप्लीट करते करते सुबह के 7 बजने को आए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। बट तभी जस्ट एज ऑलवेज लाइट चली गई। एंड जो लोग मेरे साथ लाइव स्टडी में जुड़ते हैं उन सभी को तो पता ही है कि लाइट जाने की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने लाइव स्टडी सेशन में। बट थैंक गॉड कि 5 मिनट में लाइट आ गई, तो मैंने फटाफट से स्टार्ट कर दिया अपना लाइव स्टडी सेशन। एंड होपफुली 4 घंटे का अच्छा लाइव स्टडी सेशन भी अपना कंप्लीट हो गया। और फिर लाइव सेशन के बाद मैंने थोड़ा सा खाना खाया एंड खुद को फ्रेश भी कर लिया फिर। सो हेलो एवरीवन एंड फाइनली बैक टू द स्टडीज। खाना वाना हो चुका है और मैं थोड़ा सा फ्रेश भी हो चुका हूँ और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने रिमेनिंग स्टडी टास्क। तो सुबह सुबह मैंने अपने पॉलिटी का सेशन कंप्लीट कर लिया था एंड देन फिर लाइव में भी मैंने 2 सेशन पॉलिटी के करे थे। अभी हमारा बचा था मतलब ज्योग्राफी का लगभग वो हो गया था, बस मैं अभी क्लाइमेट्स पढ़ रहा था पूरे वर्ल्ड मैप पर एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर रहा था ड्यूरिंग लाइव सेशन। अभी हम फोकस करने वाले हैं सीसेट पर एंड सीसेट के बाद हम सीसेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज वैसे मैं जीएस का मौका नहीं लगाने वाला हूँ, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा की रिविजन करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना ज्योग्राफी अगेन। अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सीसेट। एंड सीसेट का मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। सो करते हैं फटाफट से स्टार्ट, लेट्स। एंड करेंटली मैं अपने सीसेट की प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब लेक्चर्स एंड पीवाईक्यूज पे फोकस कर रहा हूँ। एंड अगर आप में से ऐसा कोई भी एस्पिरेंट होगा जिसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है एंड उनको लगता है कि वो सीसेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो मैं उनको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर फोकस करो, जिससे आपको एक मतलब और आइडिया आ जाता है। जैसे कि आप अगर कोई नंबर सिस्टम का अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं एंड क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं, तो कुछ इस हिसाब से आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। एंड क्वेश्चन जब आपसे सॉल्व होंगे ना, तब आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड आज तो मैंने अपने सीसेट के लिए पूरा दोपहर का टाइम दे दिया, क्योंकि आज लगभग मैंने अपने 4-5 टॉपिक को कंप्लीट किया, जिसमें से मैंने हर एक टॉपिक को एटलीस्ट 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक टाइम दिया क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो ये सब करते करते ही शाम हो गई। शाम को मैंने ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करी नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया एंड फिर खुद को थोड़ा सा फ्रेश किया अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, क्योंकि दिन भर में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके पूरी तरीके से थक चुका था। एंड फिर आज रात का भी खाना मैंने 6:30 बजे खा लिया, क्योंकि आज खाना जल्दी बन गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना खाना खाकर ही अपने स्टडीज़ को स्टार्ट कर देते हैं। तो फाइनली खाना पीना और सब कुछ डन हो चुका है, अभी बस पढ़ना बाकी है। और आज का हम अपना लास्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें है इसमें जो भी सीसेट के अभी मेरे पीवाईक्यूज बचे हुए हैं 2023 के, वो हम स्टार्ट करेंगे एंड जो भी कॉम्प्रिहेंशन हो गया वो भी मुझे सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से रहा हमारा आज का दिन। अभी मैं रिमेनिंग जो भी 4-5 ओवर बचे हुए हैं, वैसे तो मैं 11 बजे के बाद सोऊंगा, तो अभी हमारे पास और 4 घंटे, तो उसमें से एटलीस्ट 3 घंटे यूटिलाइज होंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।